हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ अभिनव पब्लिक स्कूल. स्टूडेंट, इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कशन अबाउट द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज. तो इसके अंदर अपने फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द क्रैक्स एंड मैच द कॉलम एंड क्वेश्चंस नंबर 9 अप टू 9 क्वेश्चंस जो है ये हमने सॉल्व कर दिए हैं. टुडे विल डिस्कस एक्सरसाइज, योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है. तो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के अंदर जो फर्स्ट है, देखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन के अंदर देखिएगा. फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय, तो फूट और माउथ डिजीज जो है कैटल की वो कॉज होती है किसके द्वारा होती है, वायरसेस के द्वारा. करेक्ट ऑप्शन है ए. विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन में हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस बाय द डिकम्पोजिशन. तो इसमें बैक्टीरिया जो होंगे वो मैथनोजन बैक्टीरियाज होते हैं जो हेल्प करते हैं बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर. अमीबायोटिक या अमीबाइक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय, तो एंट अमीबा हिस्टोलिका होता है, तो सी होगा. तो ऑप्शन है ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरासिटिक प्रोटोजोन, तो इनमें से कौन सा पैरासिटिक प्रोटोजोवा है, तो इसके अंदर आएगा अमीबा प्रोटोजोवा के अंदर आएगा. नेक्स्ट देखिएगा, द फंगस दैट हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ इडलीज एंड डोसास, तो इसके अंदर आएगा करेक्ट ऑप्शन जो है ईस्ट. ठीक है, नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट टाइप्स ऑफ आंसर. तो इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स है, वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर्स जो है वो मैं आपको राइट डाउन करके सेंड करूँगा. ठीक है, इन 5 क्वेश्चंस के. नेक्स्ट अपन शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करें, तो फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है, और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का आंसर मैं आपको जो है सेंड करूँगा. और एक चीज़ और नोट करिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड और फिफ्थ, ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं वापस, यानी एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज आपने पहले करा उसके अंदर ये क्वेश्चन सेम था, और ये क्वेश्चन भी जो है वो पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर अपन कर चुके, तो ये अपन वापस रिपीट नहीं करेंगे. ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सेंड करूँगा, यानी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ का आंसर, और इसमें से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के आंसर मैं आपको सेंड करूँगा. लॉन्ग क्वेश्चन सारे अपने कंप्लीट कर लिए हैं, अब लेते हैं अपन फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसको आपको फिल करना है इसके अंदर. तो फर्स्ट है इसके अंदर आपका, हाउस फ्लाइज आर द मोस्ट कॉमन अमंग द ऑल डिजीज कैरियर्स, तो इसके अंदर हाउस फ्लाइज फर्स्ट के अंदर फिल हो जाएगा. डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स आर पैथोजेंस कहलाएंगे. बैक्टीरिया कोजिंग फूड पॉइजनिंग आर, तो इसमें ऐसे जो आएगा साल्मोनेला और क्लॉस्ट्रिडियम. नेक्स्ट है पाश्चराइजेशन इज डन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, तो पाश्चराइजेशन आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनविजिबल टू नेक्ड ह्यूमन आई, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया. सिक्स्थ के अंदर डाइटम्स आ जाएगा, इज अ यूनिसेलुलर एल्गी एज अ प्लैंकटन एंड फॉर्म ए द फॉसिल डिपोजिट. नेक्स्ट है यीस्ट इज अ ग्रेस येलो फंगस सब्सटेंस ऑब्टेंड स्पेशली फ्रॉम द फर्मेंटेशन मेल्ट लिक्वायर, तो ईस्ट आएगा इसके अंदर आंसर. तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया. नेक्स्ट लेते हैं स्टेट वेदर द ट्रू और फॉल्स. प्लेग इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फ्लाइज, तो इन्फेक्टेड फ्लाइज से नहीं होता है, ये रैट के थ्रू जो है ये फैलता है, तो फॉल्स है. मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ वायरस, तो मलेरिया प्रोटोजोन से कॉज होता, तो ये भी फॉल्स हो गया. नेक्स्ट लेते हैं इसके अंदर, ईस्ट इज़ अ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर. ईस्ट नहीं यूज होता, बैक्टीरिया यूज होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा. जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वॉज गिवन बाई लिवेनहॉक, नो, लुईस पाश्चर ने दिया था, तो ये भी फॉल्स है. मिल्क इज प्रिजर्व बाई पाश्चराइजेशन, यस ये ट्रू है. फंजाई कॉजिंग फूड पॉइजनिंग इज मॉल्ड, यस एस्परजिलस ये फंजाई होती है, तो सॉरी मॉल्ड होती है, तो ये करेक्ट है. नेक्स्ट लेते हैं मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग देखिए, मीजल्स जो है
मिजस एक डिजीज़ है, तो मेज हो रहा बी, बैक्टीरिया कर्ड मेकिंग के अंदर यूज़ होते हैं, वायरसेस एड्स डिजीज़ जो है वायरस की वजह से होती है, मलेरिया वो प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ है, फर्मेंटेशन तो यीस्ट से के द्वारा करते हैं, और कैरियर्स हाउस फ्लाई जो है वो पैथोजन को कैरियर का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आई एम यानी मैं कौन हूँ, तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सेंड करूँगा इसके अंदर। और नेक्स्ट इसके अंदर देखिएगा लाइफ स्किल एप्लीकेशन क्वेश्चन, ये तो आपका जो है एक्टिविटी वर्क है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके जो है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होता है, ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो क्वेश्चन आपने डिस्कस करें उनका आंसर मैं आपको सेंड करता हूँ, आपको ये होमवर्क में करना है। थैंक यू।